Dear students, I am Dr. Sandeep Hambarde, and in this video we are going to study the compound angle formula. Before that, what is the meaning? See, what is the meaning of compound angle? Chamate, first of all, see, यहाँ पर हमको पहले देखना है compound angle का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हमको देखना है compound angle formula. इसमें हमको देखना है sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b and cos a minus b, और tan a plus b and tan a minus b. ये six formula बहुत important है. Now come to the definition. That is a compound angle. What is the meaning of compound angle? The algebraic sum of two or more angles is called as compound angle. दो और दो से ज्यादा एंगल का अगर एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, मतलब algebraic sum है, तो ऐसे एंगल्स को हम कह सकते हैं compound angle. Means we can call the algebraic sum of two or more angles. Suppose we have any two angles A and B, then their addition A plus B and their subtraction A minus B is called as compound angle. For example, यहाँ पर देखो, this for example A plus B, A minus B is called as compound angle. Now we are going to discuss the formula for the compound angle. Now we have the six formula for the compound angle: sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b, tan a plus b, tan a minus b, and we will see the uses of that compound angle formula. Now the first compound angle formula. Compound angle formula. Suppose हमारे पास suppose we have sin a plus b. सबसे पहले हमको फॉर्मूला देखने हैं साइन. विरो साइन क्या है हमारे पास? साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन है, और उसके अंदर सब दो एंगल का एडिशन आ गया है, दो एंगल ए प्लस बी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ कंपाउंड एंगल. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो, अगर साइन के अंदर दो एंगल का एडिशन है तो उसको हम एक्सपांड ऐसे कर लेंगे, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ सेकंड एंगल प्लस लेने का. अगर यहाँ पर प्लस है, सपोज हियर इज द प्लस, देन हियर टेक द प्लस साइन. इफ हियर इज द माइनस, देन टेक द माइनस साइन. द सेकंड फॉर्मूला, यहाँ पर हमको साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ सेकंड एंगल, उसके बाद कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल एंड साइन ऑफ सेकंड एंगल. सो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ये हो गया हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला. अगर हमको इसका यूज करना है तो कैसे कर सकते, देखो, फॉर एग्जाम्पल समझो हमारे पास है साइन 30 प्लस 45. हमारे पास है साइन 30 प्लस 45. ये क्या हो गया कंपाउंड एंगल, दो एंगल का एडिशन है, जिस द सम ऑफ टू एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, एंड हमको निकालना है उसका साइन. साइन मींस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यू नो द साइन मींस अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाउ टू फाइंड साइन 30 प्लस 45, जस्ट सेम, इसको वी कैन कॉल इसको ए और इसको बी. वी कैन अज्यूम दिस इज ए एंड दिस इज बी. सो व्हाट इज द एक्सपेंशन, साइन ए, साइन ए मींस पहला एंगल लेने का साइन 30 एंड इनटू कॉस बी, b means 45 plus, अब उल्टा करने का, अब क्या करने का, cos a sin a cos b plus cos a मतलब 30 and sin b मतलब 45. तो ये हो गया इसका एक्सपांशन, sin a means 30, cos b plus cos a sin b. एक्सपांशन के बाद हम आपको we know the values को, इसके वैल्यू हमको मालूम है, what is the value of sin 30, 1 by 2 into cos 45, 1 by root 2 प्लस वर्ड वैल्यू ऑफ cos 30 root 3 by 2 एंड sin 45 1 by root 2, सो व्हिच इज इक्वल्स टू, नाउ वी कैन सिंपलीफाई दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 into 1 1 2 into root 2 2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस दिस root 3 into 1 root 3 मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट होता है 2 into अंडर रूट 2 2 अंडर रूट ऑफ 2 व्हिच इज इक्वल टू. यहां पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, यहां पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, इट मींस व्हाट, वी कैन डायरेक्टली ऐड द न्यूमरेटर. In this way, we can use the compound angle formula for sin a plus b. अब उनको हम देखेंगे अभी second formula called sin a minus b का. हमारे पास second formula है sin a minus b का. ये very simple formula है. इसमें same concept है, सिर्फ करने का क्या है? हमको देखने का है कि sin a minus b. तो second formula है sin a minus b is equal to sin a cos b. अब यहाँ पर सिर्फ minus लेने का cos a sin b. ये हमारा second formula sin a minus b का. अगर हमारे पास दो angle का subtraction है sin के अंदर, तो how to expand this, sin of first angle cos of second angle minus cos of first sin of second. Same है previous formula जैसा ही है, यहाँ पर सिर्फ plus है तो plus, minus है तो minus. तो चलो हम चारों formula एक बार में लिखेंगे. Now let us write all the four formula one by one. Now what is our first formula? sin a plus b is equal to
साइन ए कॉस बी, साइन का फर्स्ट एंगल कॉस का सेकेंड, बाद में कॉस का फर्स्ट एंगल साइन का सेकेंड एंगल, ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी है तो साइन का फर्स्ट एंगल कॉस को सेकेंड एंगल, उसके बाद सेंटर को माइनस क्योंकि यहाँ पर माइनस है, उसके बाद कॉस को फर्स्ट एंगल साइन को सेकेंड एंगल, ये हो गया हमारा साइन ए माइनस बी। हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कॉस के अंदर दो एंगल का एडिशन आ गया, इफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, हाउ टू एक्सपांड कॉस ऑफ ए प्लस बी, cos a cos b minus sin a sin b, अगर cos a cos b minus sin a sin b, यहाँ पर क्या करने का, अगर प्लस है तो माइनस लेने का सेंटर में, अगर माइनस है तो प्लस लेने का, यहाँ पर प्लस है देखो cos a plus b है तो हमारे पास होगा cos a cos b, उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो सेंटर में माइनस, ये इनटू है, इसके बाद माइनस, अब दोनों साइन ले लेंगे sin a sin b। So in this way, cos a plus b का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, cos a plus b equal to cos of a cos of b minus sin of a sin of b, सेम लेने का cos a cos b, उसके बाद sin a sin b, सेंटर में माइनस, अगर हमारे पास प्लस है तो एक्सपांशन में माइनस, और हमारा लास्ट फोर्थ फॉर्मूला है cos a minus b is equal to cos a cos b, सेम फॉर्मूला है, यहां से प्लस था तो यहां पर माइनस, अब यहां पर माइनस है तो इधर प्लस, साइन ए साइन बी। सो इन दिस वे हमारे पास अभी हो गए ट्रिग्नोमेट्री के चार कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। अब हम देखेंगे हमारे पास दूसरे के फॉर्मूले टैन के लिए, अब टैन के लिए भी सेम फॉर्मूले, ये हम इसका यूज करके प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट नाउ लेट अस कम टू द फिफ्थ फॉर्मूला, इसके बाद देखो अभी टैन के फॉर्मूले क्या है हमारे पास, ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकाल सकते हैं, जो समझो 75 है, साइन 75 अगर है तो उसको दो में डिवाइड करने का, साइन 30 प्लस 45, और उसको हम निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ फॉर्मूला, हमारे पास फिफ्थ फॉर्मूला है tan a plus b, ये देखो tan के अंदर a plus b आ गया, अगर tan के अंदर कंपाउंड एंगल का एडिशन का तो इसको एक्सपांशन करके करने का, वेरी सिंपल, tan ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस tan ऑफ सेकंड एंगल अपॉन 1 माइनस tan ऑफ फर्स्ट एंगल इनटू tan ऑफ सेकंड एंगल, और सिक्स फार्मूला है सेम tan a minus b का इज इक्वल टू फार्मूला है tan ऑफ a माइनस टैन बी अपॉन यहां पर वन प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन टैन ऑफ ए इंटू टैन ऑफ बी, ये देखो दोनों फॉर्मूले सेम है, अगर यहां पर टैन ए प्लस बी है तो पहले टैन ए लेने का प्लस टैन बी लेने का, अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस, अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस, और नीचे क्या लेने का, वन इज कंपल्सरी, वन कंपल्सरी है, और यहां पर माइनस ही लेने का, अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस, वन माइनस टैन ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू टैन ऑफ सेकंड एंगल, राइट। एंड सिक्स फॉर्मूला इज tan a माइनस b, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर tan a माइनस